हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू स्वस्ति अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। माय सेल्फ प्रमति पांडे, योर सोशल साइंस टीचर। टुडे आई विल एक्सप्लेन यू चैप्टर 5 ऑफ स्टैंडर्ड 7। द नेम ऑफ द चैप्टर इज इंडिया एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्टेशन। फ्यू पॉइंट्स आई एक्सप्लेन इन पार्ट 1 एंड टुडे आई विल एक्सप्लेन अनदर पॉइंट, सो लिसन केयरफुली। आई विल स्टार्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्री, small scale industry, heavy industries, and then another point is transportation in India: roadways, railways, waterways, airways, and roadways. So I will explain all these points one by one. Listen carefully. बच्चों industries, industries क्या है? उन्हें 3 parts में divide किया गया है। किस basis पे? Basis of investment, number of employees, and quantity of production. तो सबसे पहले आती है हमारी cottage industry। मतलब कितनी इन्वेस्टमेंट है, कितने उसमें लोग काम करते हैं और कितनी उसका प्रोडक्शन होता है। कॉटेज इंडस्ट्री, व्हेन पीपल मेक थिंग्स एट होम इन विच द इन्वेस्टमेंट इज वेरी लो, लाइक इन से स्ट्रीट पापड़, फर्नीचर, पिकल एक्सेट्रा, इज कॉल्ड कॉटेज इंडस्ट्री। जब लोग इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करते काफ़ी कम और उसको घर में ही काम के अंदर, जैसे अगरबत्ती है, धूपबत्ती है, पापड़ है, अचार है, फर्नीचर है, पिकल्स है, उसको हम कॉटेज इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कंसिस्ट ऑफ अ फैक्ट्री, सम मशीनरी, सम वर्कर्स, एंड इन विच इन्वेस्टमेंट इज मोर देन कॉटेज इंडस्ट्री। इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज टॉयज, टीवी, रेफ्रिजरेटर, प्लास्टिक आइटम्स आर मेड। बच्चों जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, इसमें छोटी छोटी फैक्ट्रीज होती हैं, मशीनरी होती है, थोड़े लोग काम मिलकर करते हैं और इसकी इन्वेस्टमेंट कंपेरेटिवली कॉटेज इंडस्ट्री से ज़्यादा होती है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में टॉयज, रेफ्रिजरेटर, टीवी, प्लास्टिक के आइटम्स बनाए जाते हैं। एंड थर्ड है हैवी इंडस्ट्रीज। हैवी इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्री इन विच बिग फैक्ट्री, बिग मशीनरी एंड लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स वर्क। इट रिक्वायर्स हैवी इन्वेस्टमेंट, सो इट इज कॉल्ड हैवी इंडस्ट्रीज। इट इंक्लूड्स आयरन, स्टील, मोटर कार, सीमेंट एटसेट्रा। बच्चों हैवी इंडस्ट्रीज जो होती है, इसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं, बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, ज़्यादा बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं और इसमें काफ़ी पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, और जो कि बताया मैंने आपको, काफ़ी लोग इसमें वर्कर्स काम करते हैं और इसमें जो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होने के साथ साथ इसको किसी ने हैवी इंडस्ट्रीज के नाम से जाना जाता है। इसमें आयरन, स्टील, मोटर कार, सीमेंट, ये सारी इंडस्ट्री इंक्लूड होती है। इसको मैप में दिखाऊंगी मैं आपको, देखिए अलग अलग जगह में किस तरह से अलग अलग इंडस्ट्रीज है। आई विल जस्ट शो यू, देखिए पेज नंबर 41 में आपका मैप, आप देखिए, ये देखिए दिखा रखा है कॉटन इंडस्ट्री का साइन दिखाया है, जैसे नीचे कोयम्बटूर दिख रहा है कॉटन इंडस्ट्रीज, ऐसे ही आयरन इंडस्ट्रीज का दिख रहा है भद्रावती, और इसी तरह से यार्न का दिख रहा है महाराष्ट्र में रेड देखिए, फिर है सीमेंट का कर्नाटका में दिख रहा है, अलग अलग जगह आपको दिखाई देगा। पेपर इंडस्ट्रीज का भी दिख रहा है आपको महाराष्ट्र में रोल किया हुआ। जूट इंडस्ट्री अपने इधर आ जाइए बांग्लादेश के पास, अपना वेस्ट बंगाल में दिखेगा आपको। फिर है शुगर हमारे गुजरात में देख लीजिए, बेशक पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज चेन्नई में आपको दिख रहा है, एंड देन केमिकल फर्टिलाइज़र आपको दिख रहा है। इस तरह से आप इसको पूरा अलग अलग तरीके से देखते जाइए और स्टडी करिए मैम की, तो आपको समझ आ जाएगा। देखिए बच्चों, मैंने आपको 3 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज बताया है, कॉटेज, स्मॉल एंड हैवी इंडस्ट्रीज। सो आप इसको पढ़िए और पूरा का पूरा मैप की स्टडी करेंगे, देन यू विल रियलाइज हाउ एंड वेयर। अभी हमारा सबसे पहले है कॉटन क्लोथ इंडस्ट्री, यानी कि कॉटन के कपड़े यानी सूती कपड़े। ये सारे डेवलप हुए भारत में, अहमदाबाद, सूरत, मुंबई और कोयम्बटूर में। नेक्स्ट है वुलन इंडस्ट्री। वुलन इंडस्ट्रीज में जो ऐसे इंडस्ट्रीज जो कि शुरू की गई है हमारे अलग अलग जगह में, ऐसे इंडस्ट्रीज के हमारे उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंस है। इस तरह की इंडस्ट्रीज को पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा, जहाँ जहाँ वूल की डिमांड होती है वहाँ वुलन इंडस्ट्रीज को हम क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। देन शुगर इंडस्ट्रीज। शुगर इंडस्ट्रीज
ऐसी क्रोम है जो कि रिक्वायर करती है, जिसके लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड इसके है। क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड काफ़ी है और इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होने के कारण यार जहाँ फेवरेबल कंडीशन होती है वहाँ पर इसको डेवलप किया जाता है, जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। तो मैंने आपको बताया कि वुलन इंडस्ट्रीज ज़्यादा वहाँ जहाँ की फेवरेबल कंडीशन होती है और जहाँ पर डिमांड के साथ ईजीली वहाँ पर उनको ग्रो किया जाता है, उसी तरह शुगर इंडस्ट्री का है और सीमेंट इंडस्ट्री। आज के समय में इन रिसेंट ईयर सीमेंट इंडस्ट्री है रैपिडली डेवलप्ड इंडिया। द स्टेट्स लाइक गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु एटसेट्रा आर नोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री। ये किसके नाम से जाने जाते हैं? इनको सीमेंट इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है। आपको पता है कि सीमेंट कितनी सारी जगह यूज होता है हमारी, हर जगह इसकी रिक्वायरमेंट होती है और इसके लिए चाहे वो बिल्डिंग्स हो या छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हो विच इज़ रिलेटेड विद डेली रूटीन, तो उनमें हमारे ऐसे रोड्स में यूज़ किया जाता है, बिल्डिंग्स में, मॉल्स में, तो इसलिए हमारी इसकी डिमांड काफ़ी रहती है। फिर पेपर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री आपको पता है कि वो डेली यूज़ किया जाता है भारत में और पेपर मिल्स जो है वो वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात में। पेपर किसके लिए यूज है? न्यूज़पेपर, जो कि जो पेपर यूज इन न्यूज़पेपर इज मेड इन नेपाल नगर मध्य प्रदेश में इसका बनाया जाता है। इस तरह करेंसी नोट के लिए होशंगाबाद में और देवास में बनाया जाता है। फिर आयरन स्टील इंडस्ट्री, द स्मॉल नेल्स ऑफ यूज मशीनरी एंड देयर स्पेयर पार्ट्स आर मेड अप मेड बाय आयरन एंड इंडस्ट्री स्टील इंडस्ट्री। बच्चों इस तरह से जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है उसका जो जितने भी पार्ट्स हैं वो बनाए जाते हैं, चाहे छोटे से नॉक से एक कील से लेकर बड़ी बड़ी हमारे जेट प्लेन्स तक उसमें बनाए जाते हैं, तो इस वो सारे किस्म आ जाते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज इन इंडिया आर लोकेटेड इन दिल्ली यानी मध्य प्रदेश, बोकारो बिहार में, भद्रावती कर्नाटका, जमशेदपुर झारखंड। जमशेदजी टाटा इज नोन एज द फादर ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के नाम से हमें जाना जाता है। फिर बच्चों मन जूट इंडस्ट्री, फ्रॉम द स्ट्रिंग्स ऑफ जूट जूट क्लोथ गनी बैग जूट बैग एटसेट्रा आर मेड। जूट पेड़ों से निकाला जाता है, उसके स्ट्रिक्स को पानी में डुबा दिया जाता है, फिर उससे इतनी सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। नावाडेज द डिमांड ऑफ गनी फॉर गनी बैग्स एंड जूट बैग्स हैव रिड्यूस्ड। धीरे धीरे गनी बैग्स और जूट बैग्स की डिमांड कम हो गई है। इन प्लेस ऑफ इट बैग मेड फ्रॉम आर्टिफिशियल स्ट्रिंग्स से बनाई जाती है। आज के समय में जो ओरिजिनल जूट के बदले में जो आर्टिफिशियल जूट है उससे बनाया जा रहा है। फिर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, मिनरल ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। देयर आर मैनी कंपोनेंट्स इन मिनरल ऑयल, डिफरेंट कंपोनेंट्स आर सेपरेटेड आफ्टर इट्स प्योरिफिकेशन टू गेट केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, कार्कोल एटसेट्रा। दिस इंडस्ट्री इज डिपेंडेंट ऑन मिनरल ऑयल। द रिफाइनरीज इन बड़ोदरा, जामनगर, मुंबई, विशाखापट्टनम, चेन्नई एटसेट्रा प्योरीफाई मिनरल ऑयल। बच्चों जो मिनरल ऑयल है उसमें जो हमारी पृथ्वी के अंदर से उसको निकाला जाता है और ये जो है डिफरेंट कंपोनेंट्स को इसके सेपरेट किया जाता है प्योरीफिकेशन के, उसके बाद आपको मैंने बताया जैसे कैरोसिन, डीजल, पेट्रोल, तारकोल बनाया जाता है और ये वडोदरा से लेकर चेन्नई तक इस तरह की मिनरल ऑयल की रिफाइनरीज है। कलर केमिकल्स इंडस्ट्री इज अ पार्ट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। वेरियस केमिकल्स लाइक सोडा एश, पेट्रोकेमिकल एटसेट्रा आर प्रोड्यूस एज अ पार्ट ऑफ कलर केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। टुडे केमिकल फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड मोर इन एग्रीकल्चर। द फैक्ट्रीज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स आर लोकेटेड इन कलोल, वडोदरा, सिंदेरी, मुंबई, गोरखपुर एंड दुर्गापुर। तो ये भी जो एक कलर केमिकल है इंडस्ट्री पार्ट है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का और इसके अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं जैसे ऐश, सोडा ऐश सॉरी पेट्रोकेमिकल्स। और इसी के साथ ये फैक्ट्रीज जो केमिकल फर्टिलाइजर्स की है कलोल से लेकर दुर्गापुर तक लोकेटेड है। तो नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया। अब हम भारत का ट्रांसपोर्टेशन के बारे में जानेंगे। बच्चों ये चैप्टर का नाम है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्टेशन। एग्रीकल्चर जो हमारा हो गया है खेतों में, अगर वो इंडस्ट्रीज तक पहुँचेगा तभी उसका यूज़ होंगे, प्रोडक्ट्स बनेंगे, लोगों तक पहुँचेंगे
और इसमें है ट्रांसपोर्टेशन। बिना ट्रांसपोर्टेशन के इट इज़ नॉट ईजी कि हम उस एक सामान को दूसरी जगह ले जा सकें। अब पहला है, रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन आर नॉट ओनली यूज बाय मैन फॉर टेकिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बट ऑल्सो टू ब्रिंग पीपल ऑफ कंट्री क्लोजर टू ईच अदर। ये जो बने हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उसके कारण लोग ना केवल सामान एक जगह से दूसरी जगह ले गए बल्कि लोग एक दूसरे के ज़्यादा करीब आए। इट इम्प्रूव्स द इमोशनल इंटीग्रिटी और इससे लोगों के आपस की भावनात्मक को लोगों को भावनात्मक रूप में भी जोड़ा है। देयर आर रोडवेज एयरवेज रेलवेज एंड वाटरवेज इन इंडिया। तो कौन कौन से रोडवेज एयरवेज रेलवेज और वाटरवेज हैं भारत में। अलॉन्ग विद देम रोडवेज आर ऑल्सो यूज पाइपलाइंस आर यूज टू ट्रांसपोर्ट लिक्विड्स। रोडवेज के साथ एयरवेज है और रेलवेज है वाटरवेज है इसके साथ साथ ही रोडवेज है और ये पाइपलाइंस भी है जो कि ट्रांसपोर्ट लिक्विड चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करती है। बच्चों को कि ईजीली एक जगह से दूसरी जगह बहुत ज़्यादा है पाइपलाइन के थ्रू हमारे जैसे ऑयल है दूसरी चीज़ों को हमें भेज रहे हैं गैस की भी पाइपलाइन है। नाउ रोडवेज बच्चों ये देखिए मैप दिया गया है 5.7 रोडवेज इन इंडिया पूरा देखिए ग्रीन और रेड से आपको दिखेगा। पेज 44 में 5.7 रोडवेज देयर इज स्पेशलिटी एंड स्पेशल बेनिफिट ऑफ रोडवेज रूट्स आर कंस्ट्रक्टेड टू कनेक्ट विलेजेस एंड प्रोवाइड फैसिलिटीज टू ट्रांसपोर्टेशन टू द विलेज। द रोडवेज ऑफ इंडिया इज द रोड वेब ऑफ इंडिया इज द बिगेस्ट वन ऑफ द वर्ल्ड। बच्चों रोडवेज सबसे इजीली इसलिए होती है क्योंकि वो हमारे घर से लेके जहाँ तक हमारा डेस्टिनेशन है हमको कनेक्ट करते हैं और इसका बहुत बड़ा जो जिसे रोड वेब कहते हैं हमारे भारत का सबसे बड़ा है। टाइप्स ऑफ रोडवेज सबसे पहले विलेज रोड पड़ेंगे। विलेज रोड कनेक्ट द विलेज विद द मेन सिटी ऑफ तालुका और डिस्ट्रिक्ट मेन सिटी। जो विलेज रोड होते हैं बच्चों कनेक्ट करते हैं गाँव को गाँव से और मेन सिटी से तालुका डिस्ट्रिक्ट से। फिर डिस्ट्रिक्ट रोड डिस्ट्रिक्ट रोड कनेक्ट्स द मेन सेंटर एंड सिटीज विद तालुका। डिस्ट्रिक्ट रोड क्या कनेक्ट करती है मेन सेंटर को सिटीज और तालुका के साथ। इस तरह से स्टेट हाईवे कनेक्ट द कैपिटल विद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स एंड इंपॉर्टेंट सिटीज। जो स्टेट हाईवेज होते हैं वो कनेक्ट करते हैं एक राजधानी को दूसरे डिस्ट्रिक्ट के साथ उनके हेडक्वार्टर्स के साथ और महत्वपूर्ण शहरों के साथ। देन नेक्स्ट है नेशनल हाईवेज। नेशनल हाईवे इज ऑलवेज मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाईवे कनेक्ट्स वन स्टेट विद अनदर। एक स्टेट को दूसरे स्टेट के साथ कनेक्ट करते हैं और साथ ही साथ जो मेन सिटीज पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स इन सबको अप्रॉक्सीमेटली इस तरह से हमारे 50 नेशनल हाईवेज हैं। नेशनल हाईवे नंबर 7 इट इज द लॉन्गेस्ट हाईवे एक्सटेंडेड फ्रॉम वाराणसी टू कन्याकुमारी। ये सबसे बड़ा हाईवे है नंबर 7 वाराणसी से लेके कन्याकुमारी तक कनेक्ट हो गया है। फिर नेशनल हाईवे नंबर 35 इट इज़ द शॉर्टेस्ट हाईवे ये सबसे छोटा है। 7 नंबर का सबसे बड़ा है कि कहाँ से कनेक्ट करता है वाराणसी टू कन्याकुमारी और 35 सबसे शॉर्टेस्ट है कनेक्ट कोलकाता टू बोंगन। ये कोलकाता टू बोंगन कनेक्ट होता है द सिटी नियर द बॉर्डर ऑफ बांग्लादेश जो कि कौन सा शहर एक सिटी है जो कि किसके पास है बांग्लादेश के पास। नाउ गोल्डन कोऑर्डिनेटर इज अंडर कंस्ट्रक्शन इन इंडिया इट विल जॉइन द मेट्रोपॉलिटन सिटीज लाइक मुंबई दिल्ली कोलकाता एंड चेन्नई। इट्स लेंथ वुड बी 5,846 किलोमीटर। देयर वॉन्ट बी एनी रेलवे क्रॉसिंग बट 75 ओवर ब्रिजेस वुड बी कंस्ट्रक्टेड। कोई इसमें रेलवे क्रॉसिंग नहीं होगा लेकिन 75 इसके ओवर ब्रिजेस होंगे जिससे कि बिना किसी रोक टोक के आराम से अपना ट्रांसपोर्ट निकल सके। नेक्स्ट है रेलवे। इंडियन रेलवे इज वेरी इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मैनी पीपल ट्रेवल टुगेदर एट द सेम टाइम गुड्स इन बल्क क्वान्टिटी कैन बी ट्रांसपोर्टेड टुगेदर। द ट्रैवलिंग हैज बिकम फास्टर एंड नाउ इंस्टेड ऑफ कोल इंजन डीजल और इलेक्ट्रिसिटी इंजन्स आर यूज देयर आर मेट्रो ट्रेन इन दिल्ली एंड कोलकाता। बच्चों ट्रेन से इसका काफ़ी बड़ा हमारे इसमें देश में महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि तो इसमें एक साथ बहुत सारे लोग बहुत सारा सामान लेके और कम्फर्टेबल में एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं और पहले
आज जैसे अभी आजकल ट्रेन्स काफ़ी फास्ट हो गई हैं और कोल इंजन की वजह से डीजल और इलेक्ट्रिसिटी इंजन यूज किए जा रहे हैं, तो इस तरह से काफ़ी परिवर्तन आ गया है हमारे रेलवे में। नेक्स्ट है वाटरवेज। इन इंडियन कॉमर्शियल मार्केट वाटरवेज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इनएक्सपेंसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ये बच्चों जो वाटरवेज है कंपेरेटिवली कॉमर्शियल मार्केट में काफ़ी पहले से यूज हुआ जाता है, जो हमारे यहाँ फॉरनर्स आए वो थ्रू वाटरवेज ही इन्होंने यहाँ पे आना शुरू किया। इन्वेडर्स जिन्होंने हमारे देश में आने पर कब्जा भी किया। फ्रॉम द पोर्ट्स बिजनेस इज कैरिड आउट विद अदर कंट्रीज एंड ट्रेवलिंग कैन बी डन से एक जगह से दूसरे जगह बिजनेस भी किया जाता है, लोग ट्रैवल भी करते हैं। इन इंडिया गैंग्स एंड ब्रह्मपुत्र आर द पेरिनियल रिवर्स ऑन स्मॉल स्टीमर्स एंड बोट्स आर यूज टू ट्रांसपोर्ट पैसेंजर्स एंड गुड्स। तो हमारी जो गंगा और ब्रह्मपुत्र है इसके पानी से भी जहाँ क्योंकि हमेशा पानी रहता है, इससे छोटे छोटे स्टीमर्स और बोट एक जगह से दूसरे जाके पैसेंजर्स को और सामान को लेके जाते हैं। नेक्स्ट है एयरवेज। इन द प्रेजेंट टाइम इन ऑर्डर टू रीच फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन शॉर्ट स्पान ऑफ टाइम एयरवेज आर यूज। एयरपोर्ट्स आर कंस्ट्रक्टेड फॉर द लैंडिंग एंड टेक ऑफ द एयर प्लेन्स। बच्चों जो एट प्रेजेंट टाइम में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए समय बचाने के लिए एयरवेज काफ़ी यूज़ किया जाता है, और इससे क्या होता है कि एक तो समय बचता है और हम अपना सामान जिस तरह से उसको हम लेके जा सकते हैं पर्टिकुलर उतना लेके भी इसमें जा सकते हैं। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आर लोकेटेड इन अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड तिरुवनंतपुरम। इंडियन एयरलाइंस प्रोवाइड द सर्विस फॉर डोमेस्टिक ट्रैवल एंड एयर इंडिया प्रोवाइड द सर्विस फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल। तो इंडियन एयरलाइंस प्रोवाइड करती है सर्विस डोमेस्टिक के लिए और एयर इंडिया प्रोवाइड करती है सर्विस इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए। माना कि एयरवेज एक्सपेंसिव है पर हमारा समय काफ़ी बचाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस प्राइवेट एयरलाइंस आर ऑल्सो गिवन परमिशन, और इसके साथ साथ प्राइवेट एयरलाइंस को भी परमिशन दे दी गई है भारत में। एंड अनदर इज रोपवेज। रोपवेज इन माउंटेनियस रीजन वेयर रोड्स और रेलवेज कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड रोपवेज वायर कंस्ट्रक्टेड। बच्चों ऐसे पहाड़ी एरियाज में जहाँ पर कि रोडवेज और रेलवेज नहीं बनाए जा सकते वहाँ पर रोपवेज बनाए जाते हैं, और उन रेलवेज से लोग इजीली अपना एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। राजगिरी, बिहार एंड मैनी प्लेसेज इन द हिमालयाज रोपवेज आर कंस्ट्रक्टेड। हमारे गुजरात में पावागढ़ है, ये देखिए रोपवेज किस तरह से ट्रॉलीज एक जगह से दूसरी जगह लोगों को लेके जाती है। तो बच्चों मैंने आज आपको ये चैप्टर फिनिश कर दिया। पहले पार्ट वन में मैंने आपको रिलेटेड टू एग्रीकल्चर इन इंडिया बताया था, नॉर्मल और अनइरीगेटेड एग्रीकल्चर समझाया था, ड्राई फार्मिंग, इरिगेशन फार्मिंग, प्लांटेशन, और इसके बाद डिस्कवरी ऑफ कॉफ़ी प्लांट का भी बताया किस तरह डिस्कवर हुआ इरिगेशन तक। और आज हमने इंडस्ट्री से शुरू किया, कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री, और बाद में हमने ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया में रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज और रोपवेज, उसके साथ साथ हमारी जो पाइपलाइंस भी बनाई जाती है जिससे कि हमारा गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, इजीली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है। आई होप आपको चैप्टर पे समझ आ गया होगा। इसके साथ ये चैप्टर फिनिश होता है, इसे पढ़िए और लिखकर प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।